दोस्तों, जहां एक तरफ डीआरडीओ हर 10 दिन में कोई ना कोई एक नए मिसाइल का परीक्षण कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की प्राइवेट कंपनियां दुनिया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर रही हैं। और अब भारत के अंदर कुछ ऐसे गोले हथियारों का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया में तबाही ला सकते हैं। और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत आत्मनिर्भर की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब भारत वह देश बन चुका है जिसके पास साउथ एशिया की सबसे बड़ी डिफेंस फैसिलिटी है, जहां पर हम दुनिया की अलग अलग मिसाइलों और बंदूकों के लिए गोलियां और एम्यूनिशंस बनाने का काम करेंगे। लेकिन आगे जानने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, इससे हमें बहुत ही हेल्प होती है। जहां खबर सामने निकल के आई है कि अडानी ग्रुप ने कानपुर के अंदर 500 एकड़ में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, और यह साउथ एशिया की लार्जेस्ट डिफेंस एंड एम्यूनिशन फैक्ट्री है, जिसमें अलग अलग हथियारों के लिए फायर आर्म्स को तैयार किया जाएगा। यानी कि जितनी भी छोटी बड़ी बंदूकें हैं उनमें लगने वाली गोली, इसके अलावा अलग अलग रॉकेट्स के लिए बनने वाली छोटी छोटी मिसाइल्स, बड़ी मिसाइल्स और उनमें लगने वाले जितने भी फायर आर्म्स हैं, उनको इस फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाएगा। और बनने वाले इन फायर आर्म्स का इस्तेमाल आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री और पुलिस, इसको सौंपा जाएगा। इस नई फैक्ट्री का जो पहली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो करीब 150 मिलियन राउंड्स की होने वाली है, यानी कि भारत की टोटल कंसम्पशन का करीब 25% हिस्सा यहीं से पूरा किया जाएगा। और आप तैयार हो जाइए, क्योंकि इस फैक्ट्री से कुछ और भी ऐसी चीजें बनने वाली हैं जो भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदल करके रख देंगी। इस प्लांट की कैपेसिटी को करीब 200,000 राउंड्स तक तैयार किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम टैंक्स के लिए भी लगने वाले गोला बारूद को तैयार करेंगे, और अलग अलग मिसाइलों में लगने वाले जितने भी फायर आर्म्स हैं वह इसी फैक्ट्री में तैयार किए जाएंगे। और अगर भारत के इस नए प्लांट में R&D की कोई कमी पड़ती है तो हम DRDO से मदद लेकर के इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी भारत के अंदर तमाम अलग अलग देशों की कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन यह भारत के लिए बड़ी तैयारी है, जहां पर हम मेक इन इंडिया के तहत खुद से ही ऐसे आधुनिक हथियारों को बनाना शुरू कर चुके हैं। भारत की इस तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।